नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कमलनाथ सरकार मजलूमों, निराश्रित और दिव्यांगों के पैसे पर डाका डालने का काम कर रही है। कमलनाथ सरकार ने 750 करोड़ की निराश्रित निधि का उपयोग अन्यत्र कर लिया है। भार्गव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और सरकार को गरीब विरोधी करार दिया है। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कमलनाथ सरकार ने निराश्रित और निशक्त जनों के लिए आश्रम और रैन बसेरा डे केयर सेंटर खोलने पर खर्च की जाने वाली निराश्रितों के हक के 750 करोड़ रुपए अन्यत्र खर्च कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के वृद्धजन निराश्रित के लालन पालन के लाले पड़ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का वचन देने वाली कमलनाथ सरकार निराश्रितों के हक छीनने में लगी हुई है। कांग्रेस ने झूठे वचनों से हर वर्ग को छलने का काम किया है। कमलनाथ सरकार के मनमाने निर्णय से किसान, युवा, वृद्धजन, निराश्रित हर वर्ग परेशान है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जिलों में निराश्रित निधि के रूप में जवा 750 करोड़ रुपया निकाल के फिजूल खर्ची में व्यय कर दिए। यह राशि वेतन भत्तों में पेंशन इत्यादि में व्यय कर दिया। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, ये राशि कृषि उपज मंडियों पर लगभग 25 साल पहले 20 पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से जमा की जाती थी और इस राशि से निराश्रित निधि के रूप में गरीबों का, मजलूमों का, निराश्रितों का, जो निशक्त जन है, विकलांग है, उनका सारी राशि राज्य सरकार ने भोपाल मंगा ली है। शेष जिलों से भी राशि मंगाई जा रही, उनके पास भी थोड़ी सी राशि बची है, जो कि अब मुझे लगता है कि इस महीने तक 52 जिलों की राशि निकल जाएगी। ये बहुत बड़ा आपराधिक काम है, खास तौर से निशक्त जनों के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निशक्त जन और वृद्ध जनों के लिए प्रदेश के कृषि उपज मंडियों में बिक्री पर 0.2% की दर से निराश्रित सहायता राशि ली जाती है। इस राशि से निराश्रित और निशक्त जनों के लिए आश्रम, फुटपाथ पर निवास करने वाले या सोने वालों के लिए रैन बसेरे, डे केयर सेंटर, निशक्त जनों के लिए आवासीय, गैर आवासीय स्कूल, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते हैं। सरकार ने 750 करोड़ की है निराश्रित राशि निकालकर उन्हें दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया है। यह बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस ने दिव्यांगों के हक का पैसा भी नहीं छोड़ा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।